Hello, बच्चे, let's read the question. At a depth of 500 meter in an ocean, what is the absolute pressure? Given that the density of the sea water is 1.03 into my 10 to the power 3 kg per meter cube and g equals to 10 meter per second square. Okay. So, हमें at a depth of 500 meter in an ocean, हमें निकालना है कि absolute pressure क्या होगा. अब देखो, absolute pressure की value क्या हो जाएगी? P equals to P naught plus rho g h, where h is the depth, ठीक है, जिसकी value हमें कितनी दी हुई है? 500 मीटर. रो की वैल्यू हमें दी हुई है 1.03 इंटू में 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब. जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो, पी नॉट क्या होता है? पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करें तो 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर हम इसको 1.01 इंटू में 10 पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम 10 पावर 5 पास्कल लेके चल रहे हैं, ठीक है. अब देखो, अगर मैं रो जी एच की वैल्यू निकालूँ, रो जी एच, देखो रो की वैल्यू कितनी है? 1.03 इंटू में 10 पावर 3, जी की वैल्यू कितनी है? 10, एन एच की वैल्यू 500, ठीक है. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 515 इंटू में 10 पावर 4 पास्कल, या फिर लिख सकते हैं 5151.5 इंटू में 10 पावर 5 पास्कल, ठीक है, 5151.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 5151.5 एटमॉस्फेयर. 10 पावर 5 पास्कल को हम एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पुट करो, पी नॉट की वैल्यू कितनी थी? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट इज, इसको हम 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, और ये रो जी एच की वैल्यू कितनी आई है? 51.5 एटमॉस्फेयर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 52.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर अप्रोक्सीमेटली किससे मैच करें? 52 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ही, ठीक है. सो हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, दैट विल बी 52 एटमॉस्फेरिक, जिसको हम देख सकते हैं किसमें दे रखे, ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा एट दिस डेप्थ, ये उतना होगा रो नॉट प्लस रो जी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 52.5. सो हम बोल सकते हैं जो हमारा इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन मैच करे, दैट विल बी 52 एटमॉस्फेरिक. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.